नमस्कार, स्वागत है आपका शर्मा जी एजुकेशन में। ग्रोथ एवं डेवलपमेंट फॉर सीटेट एंड एसटेट, तो ये जो वीडियो है वो सीटेट और एसटेट की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो टॉपिक हमारा है वो है ग्रोथ एवं डेवलपमेंट, मीन्स वृद्धि एवं विकास। उससे पहले मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। आई एम अनुग्रह शर्मा, MSc बीएड फ्रॉम MGT आरयू बरेली, पैशनेट अबाउट टीचिंग, को फाउंडर ऑफ शर्मा जी एजुकेशन। ये मेरा लिंक है अनअकैडमी पर, अगर आप मेरी वीडियो देखना चाहते हैं, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो वहाँ पर जाकर इस लिंक पर क्लिक करके मुझे रेट कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वृद्धि एवं विकास, तो वृद्धि और विकास जो है वो ज्ञान के द्वारा जो अध्यापक हैं वो बच्चों के सर्वांगीण विकास आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि अगर अध्यापक जानते हैं कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो छात्रों के लिए आवश्यक कदम है वो अध्यापकों द्वारा उठाए जा सकते हैं। ठीक है, तो बालक के विकास की जो प्रक्रिया होती है वो माता के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाती है और जो प्रौणावस्था होती है वहाँ तक लगातार चलती रहती है। तो जन्म के बाद विभिन्न अवस्थाओं से वह व्यक्ति, कोई भी बालक है तो वो कई अवस्थाओं से होकर गुजरता है। बाल्यावस्था हो गई, किशोरावस्था हो गई, उसके बाद आती है यौवनावस्था हो गई, प्रौढ़ावस्था हो गई, तो इन कई अवस्थाओं से होकर वो गुजरता है। तो लगातार उसकी वृद्धि और विकास की प्रक्रिया जो है वो चलती रहती है। तो वृद्धि और विकास जो है वो प्रायः एक दूसरे के पर्यायवाची ही लगते हैं, क्योंकि ये जो वृद्धि और विकास की प्रक्रिया है वो एक दूसरे से संबंधित भी है और एक दूसरे पर पूर्णतः लगभग निर्भर भी है। तो व्यक्ति के विकास में जो दोनों हैं वो अलग अलग योगदान तय करते हैं, लेकिन इसमें जो अंतर है वो उसे करना बहुत ज़्यादा थोड़ा सा कठिन हो जाता है। लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने इन प्रक्रियाओं पर कुछ अपने अंतर को बताया है कि वृद्धि क्या है और विकास क्या है। तो चलिए उसी पर हम प्रकाश डालते हैं थोड़ा सा। पहले आता है अभिवृद्धि। तो अभिवृद्धि क्या है? अभिवृद्धि जो है वो कोशिकीय वृद्धि के अर्थ में प्रयुक्त करते हुए मनोवैज्ञानिक फ्रैंक जो थे उन्होंने कहा कि शरीर व व्यवहार में से पहले जिसमें परिवर्तन होते हैं उसे हम अभिवृद्धि कहते हैं। तो सीटेट के जो पेपर आता है उसमें जो मनोवैज्ञानिक है उनके कथन को बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि इन मनोवैज्ञानिकों ने निम्न में से क्या कहा, तो कई सारे कथन आपको दे दिए जाएंगे और उसमें से आपको बताना होगा कि क्या कहा। तो यहाँ पर फ्रैंक जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने कहा कि शरीर व व्यवहार में से पहले जिसमें जो परिवर्तन होते हैं उन्हें अभिवृद्धि कहते हैं। तो यहाँ पर अभिवृद्धि की एक फ्रैंक द्वारा एक परिभाषा हमें मिल गई। अब सोरेंस जो मनोवैज्ञानिक रहे उन्होंने भी कहा कि सामान्य रूप से जो अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग है वो शरीर व अंगों के भार एवं आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। तो शरीर में जो परिवर्तन होते हैं लगातार बाल्यावस्था से लेके और प्रौढ़ावस्था तक, तो वो उसमें जितना भी परिवर्तन आता है, भार में परिवर्तन हो या फिर आकार में परिवर्तन हो, तो वो सभी क्या कहता है, वृद्धि के अंतर्गत आता है। अब आते हैं विकास पे। तो विकास की डेफिनेशन क्या होगी, परिभाषा क्या होगी? तो विकास का अर्थ बालक के कद या भार में परिवर्तन से नहीं है। अब यहाँ पर विकास की जो बात हो रही है वो अभिवृद्धि से थोड़ा सा यहाँ पर अलग है, क्योंकि वहाँ पर बात की गई थी उसके शरीर में आकार में क्या परिवर्तन हो रहा है और भार में क्या परिवर्तन हो रहा है, तो वही क्या थी, वृद्धि थी। लेकिन यहाँ पर भार में परिवर्तन से या कद में परिवर्तन से अर्थ नहीं है विकास का। विकास क्या है, एक निश्चित क्रम में होता है, धीरे धीरे परिपक्वता की ओर बढ़ता है और इसमें लगातार प्रगति निहित होती है। एक निश्चित परिवर्तनशील प्रक्रिया जो होती है वही विकास कहलाती है। तो विकास की यहाँ पर एक सटीक डेफिनेशन मिल गई है कि जो एक निश्चित परिवर्तनशील प्रक्रिया है वो क्या है, विकास है। ठीक है, आगे चर्चा कर लेते हैं हम। जो श्रीमती हॉरलॉक थी मनोवैज्ञानिक, उनके अनुसार जो विकास की एक परिभाषा दी गई वो थी कि विकास की सीमा अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है अपितु प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का एक प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। अब विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में अनेक नवीन विशेषताएं एवं योग्यताएं प्रकट होती हैं। ये श्रीमती हॉरलॉक जो थी उनके कथन है कि विकास सीमा अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, मतलब जो विकास है वो किसी एक निश्चित उम्र तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। मतलब प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर जो परिवर्तन की जो प्रगतिशील क्रम है वही क्या है, विकास है। अब विकास के परिणाम स्वरूप जो व्यक्ति है उसमें कई सारी योग्यताएं हैं, उसकी विशेषताएं हैं, वो लगातार उसमें प्रकट होने लगती है। तो यही क्या है, ये सब विकास के अंतर्गत आता है। उसके बाद मुनरो का जो कथन है, मुनरो का कथन क्या है कि परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था
जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहा जाता है। अब यहाँ पर क्या है, परिवर्तन की बात, परिवर्तन लगातार चलते रहता है, जीवन पर्यंत चलता रहता है। वृद्धि तो एक निश्चित उम्र तक होती है, लेकिन जो विकास है वो लगातार जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अब इसमें जो बालक है, बालक के भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक की बात की गई है, वही क्या है, विकास है। तो भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक जो विकास, जो भी उसमें परिवर्तन दिखाई देते हैं, वो सब विकास आता है, ऐसा मुन्रो ने कहा। ठीक है, उसके बाद अगर हम इन परिभाषाओं को गौर से समझें तो इसमें एक कंक्लूजन निकल के आता है कि विकास शरीर के गुणात्मक परिवर्तनों का नाम है, जिसके कारण व्यक्ति की कार्य क्षमता, कार्य कुशलता और व्यवहार में प्रगति या अवनति होती है। तो ये जो विकास है, वहाँ से विकास की एक सटीक डेफिनेशन, परिभाषा यहाँ पर हमें मिल जाती है कि विकास शरीर के गुणात्मक परिवर्तनों का नाम है, जिसके कारण व्यक्ति की कार्य क्षमता, कार्य कुशलता एवं व्यवहार में प्रगति या अवनति होती है। ठीक है, अब वृद्धि और विकास में क्या अंतर है? तो वृद्धि और विकास में अंतर हम यहाँ पे समझ लेते हैं। वृद्धि शब्द परिमाणात्मक परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे कि बालक के बड़े होने के साथ साथ आकार, लंबाई, ऊंचाई व भार में होने वाले परिवर्तन। तो ये जो शारीरिक परिवर्तन है वो सभी क्या आते हैं, वृद्धि के अंतर्गत आते हैं, जबकि गुणात्मक परिवर्तन जो होते हैं वो सब क्या आते हैं, विकास के अंतर्गत आते हैं। विकास शब्द गुणात्मक परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त होता है, जिसके फलस्वरूप बालक की कार्य क्षमता, कार्य कुशलता व व्यवहार में प्रगति होती है। ठीक है ना, तो ये क्या है, गुणात्मक परिवर्तन है विकास, और शारीरिक परिवर्तन जो होता है वो वृद्धि होती है। उसके बाद आते हैं दूसरा अंतर क्या है, वृद्धि शब्द सीमित अभिप्राय लिए हुए है, मतलब यहाँ पर क्या है कि वृद्धि जो होती है एक निश्चित सीमा तक ही होती है। संपूर्ण विकास की प्रक्रिया में जो वृद्धि है वो केवल एकमात्र चरण है, उसका एक स्टेप है, जबकि विकास क्या है, अपने आप में एक विस्तृत अर्थ रखता है। वृद्धि मात्र इसका क्या है, एक भाग है, यह व्यक्ति में होने वाले सभी परिवर्तनों को प्रकट करता है। तो विकास का एक पार्ट हो गया वृद्धि, जो डेवलपमेंट है उसका एक पार्ट हो गया ग्रोथ, जबकि डेवलपमेंट जो होता है वो जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है, लगातार चलती रहती है। अब तीसरा अर्थ यहाँ पर, तीसरा जो यहाँ पर अंतर है देख लेते हैं, वृद्धि की प्रक्रिया जो है वो जीवन पर्यंत नहीं चलती है भाई, वृद्धि की प्रक्रिया जीवन पर्यंत नहीं चलती है, जबकि विकास जो है वो निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। अब बालक द्वारा परिपक्वता ग्रहण करने के लिए साथ साथ ये क्या होती है, समाप्त हो जाती है। जैसे जैसे बालक जो होता है परिपक्वता ग्रहण करता है, एक निश्चित उम्र के बाद, लगभग 21-22 की उम्र के बाद या 18-20 की उम्र के बाद क्या होता है, उसकी वृद्धि रुक जाती है, उसकी लंबाई, उसकी उसका जो अन्य आकार है तो आकार में भी परिवर्तन रुक जाता है, और उसकी लंबाई भी क्या होता है, परिवर्तन नहीं होता है एक निश्चित उम्र के बाद। लेकिन जो विकास है वो लगातार चलते रहता है, उसकी कार्य क्षमता, कार्य कुशलता या फिर गुणों की जो बात करें हम, तो गुण लगातार उसके अंदर निखार उनमें होता रहता है, जीवन पर्यंत होते रहता है। तो वृद्धि की तरह बालक के परिपक्व होने पर यह समाप्त नहीं होती है और ये आजीवन चलती रहती है। अगला है इसमें, वृद्धि के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन सामान्यतः स्पष्ट दिखाई देते हैं और इन्हें भलीभांति मापा जा सकता है, जबकि क्या है, विकास के फलस्वरूप होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उन्हें प्रत्यक्षता मापना कठिन है, इन्हें केवल अप्रत्यक्ष तरीकों जैसे कि व्यवहार के निरीक्षण द्वारा ही, जो तरीके हैं उनके द्वारा ही इसको मापा जा सकता है। तो वृद्धि को तो हम ना सकते हैं कि भाई किसी व्यक्ति की लंबाई कितनी है, उसका भार कितना है, आकार कितना है, तो ये तो हम ना सकते हैं, लेकिन जो गुण है उसके, किसी भी व्यक्ति के विकास की अगर हम बात करें तो उसके गुण है या फिर उसकी कार्य कुशलता है, कार्य करने का तरीका है, तो इसको हम नहीं नाप सकते, इसको हम माप नहीं सकते किसी विशेष तरीके के द्वारा, जैसे कि हम किसी मनोवैज्ञानिक तरीके से और उसके व्यवहार को हम उसका आकलन कर सकते हैं या फिर उसके गुणों की हम कोई गुणों के बारे में जान सकते हैं। तो विकास के बारे में आकलन करना, जो निरीक्षण करना है, वो थोड़ा सा कठिन है अपेक्षाकृत वृद्धि के। अगर आपको इस वीडियो, ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपको समझ में आया है कि विकास और वृद्धि में क्या फ़र्क है, तो आप इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो और भी जो सीटेट और एसटेट के जो वीडियो है वो आपको लगातार इस चैनल पर मिलते रहेंगे। और अगर आपको ये वीडियो में कोई दिक्कत आई है, कहीं पर भी समझ में नहीं आया, तो कमेंट सेक्शन में उसको बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का प्रयास पूरा रहेगा हमारा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।